संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम जिस जानवर के बारे में बात करेंगे उसे जंगल का राजा कहा जाता है, जिसका नाम सुनते ही मन में एक भयानक और बेहद डरावने जानवर की तस्वीर उभरती है और जिसकी एक दहाड़ अच्छे अच्छों की होश उड़ा देती है। सबसे बड़ी बात, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ है उसमें भी इसी जानवर का चित्र अंकित है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, हम बात कर रहे हैं शेर की। शेर एक बेहद खूंखार, खतरनाक और आक्रामक जानवर होता है। ये सिर्फ हाथियों को छोड़कर जंगल में किसी भी जानवर से नहीं डरते। शायद इसीलिए आज हर कोई खुद को शेर कहलाना पसंद करता है। आज पूरी दुनिया में बस दो ही तरह के शेर हैं, एक अफ्रीकी शेर और दूसरा एशियाई शेर। एशियाई शेर मुख्य रूप से भारत के गुजरात में गीर के जंगलों में मिलते हैं। ये बेहद आक्रामक और कमाल के शिकारी होते हैं। वैसे तो इन्हें जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर शेर को जंगलों में खुले घास के मैदान में रहना पसंद है। शिकार करने की कला में मादा शेर नर शेर से एक कदम आगे होती है। पटना जू में जो लायन है इनकी संख्या मेल लायन की 3 है और एक हाइब्रिड लायनेस है जो काफ़ी एजेड है, तो इस तरह कुल इनकी संख्या 4 है। लायन होते हैं इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, अर्थात मेल जो होते हैं वो फीमेल से अलग होते हैं। मेल को के पहचान का एक तरीका है कि उनके गर्दन के आगे, गर्दन पे पूरे में बड़े ये लंबे बाल होते हैं जिसे मेन कहा जाता है, ब्राउन कलर के होते हैं, ये फीमेल में नहीं होता है। जो लायन होते हैं ये हाईली टेरिटोरियल होते हैं तथा ये बड़े हो जाते हैं वो अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं। पूरे इंडिया में इनकी संख्या लगभग 600 से 700 के आसपास है और इन्हें दूसरे राज्यों में भी स्थापित करने की बात चल रही है। पटना जू में इनके लिए एक बड़ा सा इनक्लोजर बनाया गया है। अभी तत्काल यहाँ पे एशियाटिक लायनेस नहीं है और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि दूसरे राज्यों से अदला बदली स्कीम के तहत इसे ला करके यहाँ ब्रीड करवाया जा सके ताकि इनकी जनसंख्या भी बढ़ सके। ज्यादातर शिकार शेरनी ही करती है, जबकि शेर का काम अपने झुंड और इलाके की रक्षा करना है। ये छिपकर या पीछे से शिकार करना पसंद करते हैं। इनके पसंदीदा शिकारों में नीलगाय, जंगली सुअर और हिरण शामिल है। शेर इस दुनिया में बाघ के बाद दूसरी सबसे बड़ी बिल्लियों की प्रजाति है। मादा शेर का वजन नर शेर की अपेक्षा कम होता है। शेर का वजन 150 से 260 किलोग्राम तक होता है और शेरनी का वजन 120 से 180 किलोग्राम तक होता है। वहीं शेर की ऊंचाई 1.2 मीटर और लंबाई 1.7 से 2.5 मीटर होती है, जबकि शेरनी 1 मीटर ऊंची होती है। एक स्वस्थ शेर का औसत उम्र 16 से 18 सालों की होती है। इनके सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है और ये 1 मील दूर से भी अपने शिकार की आवाज सुन लेते हैं। इनके जबड़े बेहद मजबूत होते हैं, जिनमें 2 नुकीली दांतें होती हैं, जिसकी सहायता से ये किसी भी जानवर के मोटे से मोटे चमड़े को भी फाड़ देते हैं। ये बेहद सामाजिक जानवर हैं और हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं। इनके झुंड को प्राइड्स कहा जाता है। एक प्राइड में शेर, 1 से अधिक शेरनियां और उनके बच्चे होते हैं। इनमें पारिवारिक जीवन की प्रबल भावना होती है। झुंड में रहने वाला शेर एक दूसरे का पता दहाड़ की मदद से लगाता है। शेरनी 3 साल में और शेर 3 से 4 साल में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। शेरनी 100 से 119 दिनों के गर्भ धारण के बाद 3 से 4 शावकों को जन्म देती है। इनके बच्चों को कब भी कहा जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में इन सिंहों के रखरखाव में काफी ध्यान दिया जाता है।
गर्मियों के मौसम में शीतलता प्रदान करने के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है, पानी के फुहारे दिए जाते हैं, छींटे दिए जाते हैं ताकि सिंह को गर्मी ना लगे। और उसी प्रकार इनके जाड़े में भी, जाड़े के ऋतु में भी रख रखाव में काफ़ी ध्यान दिया जाता है। चारों तरफ इनके खुले जो भी जगह पे खुले रोशनदान वगैरह को फूस की ये थैचेट बना करके ढक दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है, और हीटर वगैरह दिया जाता है। गर्मी में हम लोग जानवरों को नाइट हाउस में ठंड प्रदान करने के लिए कूलर पंखे इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। उसी हिसाब से ऋतु के हिसाब से इनका भोजन भी बदलता रहता है। मुख्य रूप से सिंह जो हैं सो महिष मांसी खाते हैं, जिसे मात्रा जो है केवल गर्मी और जाड़े में अंतर आता है। और इनकी रख रखाव पे साप्ताहिक रूप से हम लोग की नाइट हाउस की सफाई करते हैं, नाइट हाउस में हल्दी वगैरह का छिड़काव करते हैं, प्रतिदिन पानी से धुलाई होती है और इनके रख रखाव पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। सिंह में एक विशेष खासियत ये होती है, विशेषता है कि ये लगभग 24 घंटे में 20 घंटे के आसपास सोना पसंद करते हैं। प्रायः ये सभी को सोए हुए मिलते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में शेर अपने इन्हीं विशेषताओं के कारण दर्शकों को बेहद पसंद है और यहाँ आने वाला हर दर्शक इनके एनक्लोजर के पास इन्हें देखने जरूर जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।